हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर 14, फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। तो बेसिकली सिस्टम क्या है? कोई भी एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके काम कर रहे हों, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो टिपिकल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेजिंग सिस्टम, हम एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि परचेजिंग जो प्रोसेस है उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा। सेल्स सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश सिस्टम, वर्किंग कैपिटल सिस्टम, ये सारी जो टर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। हम बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ डिफाइन करेंगे वो क्या है? सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटरलेटेड एलिमेंट्स। अब कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को भी हम आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब वो सिस्टम क्यों है? कि उसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। उसका प्रोसेसर है, उसकी हार्ड ड्राइव है, उसकी मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है। ये क्या है? ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। प्रोसेसर नहीं होगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो यूजलेस है। कंप्राइजिंग अ यूनिफाइड होल, एक ओवरऑल जो है वो सारे ये कंपोनेंट्स मिलके क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम को बना रहे हैं। अ प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सारे कंपोनेंट्स इंटर रिलेट होके काम कर रहे होते हैं और वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं। उसके बाद पॉलिसी है। इस सिस्टम पे रन करने के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे परचेजिंग सिस्टम है तो वो कैसे रन करेगा, उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिसी। प्रोसीजर्स, अ सीरीज ऑफ एक्ट, कि हमने जो काम करनी है, परचेजिंग प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए प्रोसीजर्स जो हैं वो हम स्टेब्लिश कर लेंगे। अ सेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सबसे पहले परचेज ऑर्डर होगा, फिर बल्कि उससे पहले भी कोटेशंस इनवाइट की जाएंगी, सप्लायर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक सीक्वेंस में ये स्टेप्स जो है वो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। गाइडलाइन, अ रिकमेंडेड अप्रोच फॉर कंडक्टिंग अ टास्क। अब पॉलिसी जो है वो बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि ओवरऑल हम परचेजिंग की बात करें तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है? कि हम किसी ऐसे सप्लायर से परचेज ना करें जो हम मार्केट से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहा हो। सप्लायर रिलायबल होना चाहिए, कि अगर हमें इमरजेंसी में मटेरियल चाहिए है तो वो उससे अवेलेबल होना चाहिए। गाइडलाइन जो है वो रिकमेंडेड अप्रोच फॉर कंडक्टिंग अ टास्क, कि वो जो टास्क है यानी कि परचेज करना है हमने, वो प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगर फॉर्मल सिस्टम जो है, एक रिटन सिस्टम, एक प्रॉपर प्रोसीजर हम अगर हम डिवेलप कर लेते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। ऑल ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द सेम वे, क्योंकि हमने उसके लिए एक प्रोसीजर डिवेलप कर लिया। द बेस्ट प्रैक्टिस, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन। स्टाफ कैन रेफर टू द रिटन प्रोसीजर, के काम करना है तो उसके लिए अगर हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है तो उसके ऑलरेडी रिटन प्रोसीजर्स हमने राइट डाउन किए होंगे। तो किसी भी जगह पे अगर डाउट आता है तो स्टाफ जो है वो उस रिटन प्रोसीजर को रेफर कर सकते हैं। न्यू स्टाफ कैन बी ट्रेन्ड मोर क्विकली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, काम करने का तरीका है वो डिफाइंड है, तो न्यू स्टाफ को ट्रेन करना जो है वो आसान होगा। ऑडिटर्स जब ऑडिट कर रहा हो तो वो सबसे पहली जो चीज चेक करता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है के ट्रांजैक्शंस। अब कंट्रोल में तीन मेन चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन, के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई ट्रांजैक्शन ना हो। दूसरी जो चीज थी वो थी ऑथराइजेशन, के ट्रांजैक्शन करने के लिए बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई भी बंदा कैश पे कर ले या कैश रिसीव कर ले। और तीसरी जो चीज थी वो थी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, के एक ही बंदा सारे काम ना कर रहा हो बल्कि ड्यूटीज जो है वो सब डिवाइडेड होनी चाहिए। तो ऑडिटर जो कंट्रोल सिस्टम को चेक करेगा तो उसकी बेस पे वो डिफाइन कर लेता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो थी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही हैं या नहीं दे रही, उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ड्यू टू एरर या फ्रॉड। तो जितना कंट्रोल सिस्टम जो है वो वीक होगा, एरर के चांसेस उतने ज्यादा होंगे।
फ्रॉड के चांसेस जो है वो उतने ज्यादा होंगे। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हैं विच हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर विच कुड बी एरर्स और फ्रॉड्स, तो ये बात जो मैं अभी कर चुका हूं। अब जब हम फाइनेंशियल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उसके कुछ उसने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सेल सिस्टम डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी सेल्स हों वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ये ना हो सेल्समैन सेल करे और पैसे अपनी जेब में डाल ले। कस्टमर से जो अमाउंट कलेक्ट की गई है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। जो उधार पे बेचे हैं तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, ये एक प्रॉपर सेल सिस्टम डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आउटपुट क्या होगी, एनालिसिस ऑफ सेल्स बाय डेट एंड प्रोडक्ट टाइप। अगर हमने सेल्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसका जो एनालिसिस है कि हम किस डेट को कितनी सेल हुई, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, वो आउटपुट्स जो है वो हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट शोइंग अमाउंट ओइंग फ्रॉम रिसीवेबल, ये रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। इनपुट्स कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर बाय फैक्स एंड बाय टेलीफोन। अब अगर हमने सिस्टम में एक डेवलप किया हुआ है तो हम कस्टमर को अलाउ कर देते हैं कि वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फैक्स के थ्रू या ऑनलाइन भी। इवन अभी तो जो नई है ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑनलाइन भी क्या कर रही हैं सिस्टम सॉरी ऑर्डर्स जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। अब इस सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मैंने एक बात की कि सबसे पहले क्या हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स रिसीव करेंगे, उस ऑर्डर की बेस पे हम क्या करेंगे, गुड्स डिस्पैच करेंगे, उसके साथ हम डिलीवरी नोट भेज देंगे। वो डिलीवरी नोट जो है वो हमारा कस्टमर साइन करके एक कॉपी हमें वापस भेज देगा। अब जब सारी गुड्स डिस्पैच हो जाएंगी तो उसके बाद हम कस्टमर को इनवाइस सेंड करेंगे। अब उसके बाद हम उसकी जो जब इनवाइस सेंड करेंगे तो जो रिसीवेबल लेजर है उसमें हम वो सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। बाद में जब हमने पैसे लेने हैं तो उसके लिए हम उसको उसकी स्टेटमेंट भेजेंगे और अमाउंट रिसीव हो जाएगी। और अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, हमने 15 दिनों का क्रेडिट दिया हुआ था लेकिन अभी तक हमें अमाउंट रिकवर नहीं हुई, तो हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं, कस्टमर को टेलीफोन कर सकते हैं कि आप अपनी पेमेंट क्लियर करें। अब इसी तरह अगर हम ऑर्डिनरी स्टेज ऑफ द सिस्टम देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर अगर हमें ऑर्डर देता है तो कोई भी बंदा अगर जनरली ऑर्डर रिसीव करता है और वो बाद में भूल जाता है तो इसका मतलब है हमने एक ऑर्डर जो है वो लूज कर दिया, या वो 2 दिनों बाद उसको याद आती है तो उस टाइम पे कस्टमर जो है वो लेट डिलीवरी पे अनॉयड होता है। तो अगर हमने एक प्रॉपर ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि कौन ऑर्डर रिसीव करेगा, तो कल को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस बंदे को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो इस सिस्टम की वजह से सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि प्रोसेस हो जाएंगे ऑर्डर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, और ये इंश्योर हो जाएगा कि गुड्स आर ओनली डिस्प्लेस्ड वेयर द अमाउंट चार्ज विल बी कलेक्टेबल। आउटपुट क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस टू डिस्पैच डिपार्टमेंट टू डिस्पैच गुड्स, क्योंकि वो सेल्स ऑर्डर की बेस पे डिस्पैच नोट जो है वो इशू किया जाएगा। इंस्ट्रक्टिंग टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू इनवाइस, तो वो जितने सेल्स ऑर्डर्स हैं उनकी इनवाइसेस जनरेट करनी है। इनपुट्स बेसिकली ऑर्डर हमें किसकी बेस पे मिल रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स या फैक्स या भी ऑनलाइन पे। व्हाट कुड गो रॉन्ग, डिटेल ऑफ ऑर्डर में बी लॉस्ट अगर हमने प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया हुआ। डिटेल ऑफ ऑर्डर्स में नॉट बी पास्ड ऑन टू डिस्पैच एंड आर इनवाइसिंग। ऑर्डर में बी प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर हु इज अनविलिंग अनएबल टू पे, उस बंदे को चीजें भेज देंगे जो कि पे करने के लिए तैयार ही नहीं है या उसकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो पे कर सके। अब सबसे पहले जो है वो परचेजिंग सिस्टम है। तो परचेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या स्टोर रूम है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो स्टाफ डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज दे विश टू परचेज एंड प्रोड्यूस अ परचेज रिक्विजिशन। दिस इज ऑथराइज्ड बाय डिपार्टमेंट सुपरवाइजर एंड पास टू परचेजिंग डिपार्टमेंट। वो परचेज रिक्विजिशन किसके पास पहुंच जाएगी, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डरिंग करेगा, ऑर्डर विद सप्लायर, ऑब्टेन सेवरल कोटेशन। अब इसमें ये होता है कि अगर तो हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ सप्लायर मौजूद है, हमने सप्लायर्स को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनमें से वन ऑफ सप्लायर्स को वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा।
लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड सप्लायर्स नहीं है, उसकी वजह वक्त वो क्या करेगा, कोटेशंस इनवाइट करेगा। ए सप्लायर है उसे कहेगा कि हमने ये चीजें परचेज करनी है, तुम कोटेशन दे दो। अब कोटेशन क्या है, बेसिकली वो सप्लायर जो है वो अपनी प्राइस जो है वो कोट करेगा, तो वो डिफरेंट कोटेशंस इनवाइट करेगा, उनमें से जो बेस्ट कोटेशन होगी उसको वो सिलेक्ट करेगा और उस सप्लायर को वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर में भी ऑथराइज्ड, अब ऑर्डर भी हर बंदा नहीं दे सकता, जिस बंदे के पास अथॉरिटी होगी वही ऑर्डर जो है वो परचेजिंग ऑर्डर जो है वो परचेज ऑर्डर इशू करेगा, परचेज करेगा वो। अब जब हम ऑर्डर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो सप्लायर जो है वो हमें गुड्स डिलीवर करेगा। अब जो गुड्स डिलीवर करेगा तो उसके साथ वो जो हमें डॉक्यूमेंट भेजेगा दैट इज कॉल्ड डिलीवरी नोट। अब डिलीवरी नोट हमें मिल गया तो इसका मतलब है वो जिन चीजों का हमने ऑर्डर दिया हुआ था वो हमें रिसीव होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हमने डाटा एंटर करना है तो फॉर्मेट्स जो है या जो इंफॉर्मेशन डिलीवरी नोट के ऊपर लिखी हुई है वो ज्यादा है या कम है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपना गुड्स रिसीव्ड नोट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब चीजें रिसीव हो जाएंगी सारी गुड्स डिलीवर हो जाएंगी तो सप्लायर हमें क्या करेगा, इनवॉइस इशू कर देगा। अब वो जो इनवॉइस है जब हमने परचेज ऑर्डर दिया था तो उस परचेज ऑर्डर के ऊपर जो कॉस्ट है, क्योंकि कोटेशंस हमने इनवाइट की थी उस परचेज ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी मेंशन होगी, तो इनवॉइस के ऊपर जो कॉस्ट लिखी हुई है उसको हम दोबारा कंफर्म कर लेंगे कि वो परचेज ऑर्डर से डिफर तो नहीं कर रही। अगर वो ओके है तो उसके बाद हम उस इनवॉइस को क्या करेंगे, अपने सिस्टम में एंटर कर लेंगे और जब ड्यू डेट आएगी पेमेंट की तो उसकी हम पेमेंट कर देंगे। अब उसके बाद सेल सिस्टम है, तो सेल सिस्टम में सबसे पहले क्या होगा, हमें ऑर्डर रिसीव होगा, उस ऑर्डर की बेस पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होगा कि क्या वो कस्टमर हमें पेमेंट कर सकता है नहीं कर सकता, क्या हमारे पास गुड्स अवेलेबल है इन्वेंट्री के अंदर या नहीं है। एक दफा ऑर्डर दोबारा से कंफर्म कर लेंगे, जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच नोट्स गुड्स डिस्पैच करेंगे, अ डॉक्यूमेंट कॉल गुड्स डिस्पैच नोट इज प्रोड्यूस्ड विच विल बी साइंड बाय द कस्टमर कंफर्मिंग दैट गुड्स वर रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। अब उसके बाद इनवाइसिंग करेंगे, उसको इनवाइस भेजेंगे और उसके बाद जो इनवाइस है उसको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तो कस्टमर को उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेंगे और उससे अमाउंट रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ पे चीज ये है कि अगर हम कस्टमर को जो है वो क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे दें, या अब वो जरूरत से ज्यादा क्रेडिट एक बंदा है वो कस्टमर है उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो 10,000 तक का जो है हम उसको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ उतनी अमाउंट ही पे कर सकता है, तो हम उससे ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने जरूरत से ज्यादा उधार भी नहीं देना बल्कि एक टाइम से ज्यादा भी उधार नहीं देना। तो वो कस्टमर्स जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है अगर वो ड्यू टाइम पे पे नहीं कर रहे हैं तो हम उनको परसू करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, और नेक्स्ट टाइम पे जब हम दोबारा उनको उधार पे चीजें बेचना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि उन कस्टमर्स को हम दोबारा क्रेडिट ना दें जिनको प्रीवियसली दिया था लेकिन उन्होंने इन टाइम पेमेंट नहीं की थी। उसके बाद आ गया हमारा पेरोल सिस्टम। अब पेरोल सिस्टम में ये ज्यादा टेक्निकल चीज है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस पे क्या है, वट एवर अर्नड बाय एम्प्लॉय। अब होता यह है कि अगर तो हम मंथली
सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉई को, तो वो तो कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि वो पर मंथ पे कर रहे हैं। लेकिन बाज़ुकात हम वर्कर्स को आवर्स की बेस पे पेमेंट कर रहे होते हैं, या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पे पेमेंट कर रहे हैं, या हमने अगर उससे ओवर टाइम लगवाया हुआ है तो ओवर टाइम में हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि कंसिडर करने पड़ेंगे। अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम शीट है। अब टाइम शीट बेसिकली क्या है, टाइम टेबल है। एक एम्प्लॉई है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक उसने काम किया, तो टाइम शीट पे ये होगा कि 8 से लेके 10 बजे तक उसने एक जॉब पे काम किया, जॉब 1 पे, 10 बजे से लेके 12 बजे तक उसने किसी और जगह पे काम किया। अब 8 से 10 बजे तक जो 2 घंटे उसने काम किया है, तो जॉब 1 जो है, ऑर्डर 1 जो है, उसकी जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लेबर कॉस्ट जो शामिल होगी, तो ये 2 घंटे जो है उसके वो इस जॉब में कॉस्ट में शामिल होंगे, अगले 2 घंटे जो है वो जॉब 2 की कॉस्ट में शामिल होंगे। तो टाइम शीट बेसिकली जो है वो कि वो इन और आउट के दरमियान जो उसने टाइम स्पेंड किया है वो कहाँ कहाँ पे किया है। क्लॉक कार्ड्स जो है वो बेसिकली अराइवल और डिपार्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ इन और आउट को। इसमें ये नहीं है, क्लॉक कार्ड जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता कि उसने वो 8 से लेके 5, यानी कि 8 इन का टाइम था, 5 आउट का है, तो क्लॉक कार्ड पे ये मेंशन होगा कि वो इस टाइम पे इन हुआ और इस टाइम पे आउट हुआ। वो दरमियान का टाइम उसने कहाँ पे स्पेंड किया वो टाइम शीट पे मेंशन होगा। सिक लीव्स का हमें डाटा चाहिए होता है क्योंकि सिक लीव जो है वो उस पर हमने पेमेंट करनी है। तो अगर हमने एक एम्प्लॉई है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता है कि कोई भी एम्प्लॉई है वो साल के अंदर 20 छुट्टियां कर सकता है, तो वो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर 20 तक छुट्टियां हैं अभी उसकी, तो अगर 1 महीने में उसने छुट्टी की है अभी, तो उसको वो उसकी पेमेंट होगी, उसकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगा। फिक्स्ड डाटा तो हमने, ये वेरिएबल डाटा है क्योंकि टाइम शीट डेली बेसिस पे चेंज होगी। क्लॉक कार्ड का अराइवल डिपार्चर का डेली का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सिक लीव्स जो है उसकी अब 17 हो गई है, 18 हो गई है, वो वेरी होती जाएंगी, लेकिन पे रेट्स नॉर्मली फिक्स्ड हैं कि हमारा उसके साथ पर यूनिट या पर आर क्या रेट तय हुआ हुआ है। पे राइज होगी तो हर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे नहीं होगी, एनुअली एक दफा ही होगी, अगला पूरा साल चलती रहेगी। उसको कितनी हॉलीडेज अलाउड हैं, फॉर एग्जांपल 20, तो पूरे साल के लिए वही होंगी। लीवर्स या न्यू स्टार्टर्स हैं तो वो भी डेली बेसिस पे, नए लोग आ नहीं रहे होते, जा नहीं रहे होते, ये भी डाटा जो है वो नॉर्मली फिक्स होता है। अब 100% फिक्स्ड नहीं है, नॉर्मली फिक्स्ड है। अब पेरोल सिस्टम का जो काम है उसकी आउटपुट क्या होगी, पेरोल रिपोर्ट्स बनानी है हमने फॉर मैनेजमेंट, पे स्लिप्स मंथली बननी है फॉर एम्प्लॉयज, और पेमेंट्स करनी है एम्प्लॉयज को नेट पे की। अब ग्रॉस पे में से टैक्स और कंट्रीब्यूशंस जो हैं डिफरेंट, एम्प्लॉय की सैलरी में से उसका पेंशन की कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर दी जाएगी, उसकी सोशल सिक्योरिटी फंड की कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर दी जाएगी, तो उसके बाद जो है उसको नेट पे जो है वो पे की जाएगी। अब हमने क्या करना है बेसिकली कि आवर्स वर्क रिकॉर्डेड जो है उसका, आवर्स को वर्क रिकॉर्ड करना है हमने, ओवर टाइम जो है उसका वो रिकॉर्ड रखना है कि प्रीमियम उसका कितना बनता है, पे रेट्स जो है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। तो ये पे रोल सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, यही सारी पेमेंट्स के पे कैलकुलेट करनी है हमने, उसमें से डिडक्शंस कितनी होनी है वो कैलकुलेट करनी है, और नेट पे जो है वो एम्प्लॉय को पे कर देनी है जितनी उसकी बनती है। उसके बाद आ गया कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम में हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो उस रिसीव कैश अगर करनी है तो किस बंदे ने करनी है, पे करेगा तो कौन पे करेगा, कैश रिसीव जो है वो कहाँ कहाँ से हो रही है, वो चेक्स हैं, वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हो रही है, इन सारी चीजों का हमने प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखना है। इसी तरह पेमेंट कर रहे हैं अगर हम, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना। पेटी कैश के लिए हम क्या करते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए कैश सेट असाइड कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
कैश फ्लोट या इम्प्रेस्ड सिस्टम। वो कैश फ्लोट वो अमाउंट है जो हमने सेट असाइड करनी है, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है कि मंथली वो 5,000 खर्च कर सकती है, तो हर मंथ के शुरू में उसको 5,000 पूरा दे दिया। सपोज पहला मंथ है, 5,000 दे दिया, पूरे मंथ में उसने 4,800 के पेटी एक्सपेंसेस किए, 200 कैश उसके पास बची हुई है, तो आप 4,800 मजीद उसको दे के जो वो फ्लोट है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ जो है वो दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 5,000 से। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम, और वो हर मंथ जो कैश हम जिससे मंथ स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैश फ्लोट। उसके बाद आ गया इन्वेंटरी सिस्टम। तो अब इन्वेंटरी सिस्टम जो है वो इन्वेंटरी जो है आपकी वो कितनी है, वो तीन तरह की मेन इन्वेंटरीज हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी। अब रॉ मटेरियल जो है कितना पड़ा हुआ है, लिंक टू परचेज सिस्टम। रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो हर साल के एंड पे, तो उसमें कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का जो रूल है वो अप्लाई करते हैं हम। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कितनी है, फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी है, हर साल के एंड पे हमने वैल्यू करनी है। और इन्वेंटरी सोल्ड जो है उसका लिंक जो है वो आपके सेल्स बजट के साथ है, सेल्स सिस्टम के साथ है। तो ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो आपको पता है कि इन्वेंटरी का सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा होता है। अकाउंट्स के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सिस्टम जो डेवलप कर रहे होते हैं इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल बेसिकली क्या है कि जब हम ऑथराइजेशन देते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो ट्रांजैक्शन ना कर सके, बल्कि सिर्फ वही बंदा ट्रांजैक्शन करे जिसके पास अथॉरिटी है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एक मेन पर्पस ये है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड रहे। एफिशिएंसी ये है कि आपकी जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट है, वो मिनिमम का आउट इनपुट के साथ आप उसको अचीव करें। मटेरियल वेस्टेज वगैरह कम करें, टाइम शीट्स बना रहे हैं, लेबर आपको पता है कौन सा वर्कर वेला बैठा हुआ है, उसे कहाँ पे काम करवाना है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना करें, एक ही बंदा जो है वो पैसे रिसीव कर रहा हो, वही रिसीवेबल का लेजर बना रहा हो, वही पैसे बैंक में जमा करवा रहा हो, तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्रिवेंट एरर्स, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंट्रोल का एक बेसिक पार्ट है, तो जितने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो जितना आपका सॉलिड होगा उतना जो है वो एरर्स के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है, परचेजिंग सिस्टम है तो उसमें कंट्रोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सेफ गार्ड कंपनीज एसेट की एरियाज, इंश्योरिंग दैट ओनली गुड्स दैट हैव बीन रिसीव्ड आर पेड फॉर, ताकि आपके कैश जो है वो सेफ गार्ड हो, सिर्फ उन्हीं चीजों की पेमेंट हो जो एक्चुअली परचेज हुई है। अब ये ना हो कि आपके परचेज डिपार्टमेंट में एक बंदा जो है वो खाम खा की परचेज इनवाइस जनरेट करवा के अपने जेब में पैसे डाल रहा हो। एंश्योरिंग गुड्स आर इन गुड कंडीशन, जो चीजें परचेज कर रही हैं वो प्रॉपर क्वालिटी की थी, ठीक है, और अच्छी कंडीशन में थी, ताकि उनकी जो पेमेंट हुई है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एफिशिएंसी दूसरी चीज जो है, इंश्योरिंग दैट बेस्ट प्राइस इज निगोशिएटेड बिफोर बाइंग, प्रिवेंट फ्रॉड, तो वो मैं बात कर चुका हूँ कि सिर्फ ये ना हो कि विदाउट परचेजिंग जो है पेमेंट्स हो रही हो, फ्रॉड हो रहा हो। प्रिवेंट एरर्स, इंश्योरिंग दैट करेक्ट अमाउंट इज चार्ज्ड बाय सप्लायर, इंश्योरिंग दैट ऑल परचेजेस आर रिकॉर्डेड। इसी तरह सेल्स के सिस्टम में जो तीन में वही चीजें हैं कि सेफ गार्ड कंपनीज एसेट कैसे होंगे, इंश्योरिंग गुड्स आर ओनली सोल्ड कस्टमर्स हु आर लाइकली टू पे, ये ना हो कि इन्वेंट्री तो आउट हो गई लेकिन बाद में उसके पैसे ना मिले। एफिशिएंसी, ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड प्रॉम्प्टली, फौरन आप सेल कर दें। प्रिवेंट फ्रॉड, के ये ना हो कि वहां से जो कस्टमर से कैश रिसीव हुई है वो चोरी हो गई है, या इन्वेंट्री चोरी करके कोई बंदा जो है वो सेल इनवाइस जनरेट कर रहा है। प्रिवेंट एरर्स, के क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो
आपने जितनी ऑर्डर मिला था उतनी ही गुड्स जो है वो डिस्पैच की हैं, एक्स्ट्रा गुड्स जो है वो आपने डिस्पैच नहीं की। उसके बाद वेजेस की बात करें तो सेफ गार्ड कंपनीज एसेट के फेक एम्प्लॉइज को वेजेस तो नहीं पे हो रही। एफिशिएंसी जो है वो ओवर टाइम जो है वो सिर्फ उसी वक्त लगवाएं जब बहुत जरूरी है, ये नहीं है कि कुछ एम्प्लॉइज फारग बैठे हुए हैं और कुछ से हम खाम खा में जो है वो क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम लगवा रहे हैं। प्रिवेंट फ्रॉड, वो वही वाली बात है कि गोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं कि आपने जैसे गवर्नमेंट के स्कूलों में ये सिंध वगैरह में ये बहुत ज्यादा इशू बना था कि एक्चुअली टीचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा लेकिन डॉक्यूमेंट में उसको सैलरीज पे हो रही हैं। कैश को कैसे सेफ गार्ड करना है, सेफ में रखें ताकि चोरी ना हो। एफिशिएंसी ये है कि कैश फौरन बैंक में जमा हो जाए ताकि उस पर कुछ ना कुछ आप इंटरेस्ट कमा लें। प्रिवेंट फ्रॉड कि एम्प्लॉइज डू नॉट क्लेम फॉर एक्सपेंसिज नॉट इंकर्ड, पेटी एक्सपेंसिज वो क्लेम ना कर लें। प्रिवेंट एरर्स कि सारी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं। इन्वेंट्री सेफ गार्ड क्या है, इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपरली वेयर हाउस में रखी हुई है और हर बंदे को उस पर एक्सेस ना हो। एफिशिएंसी के इन्वेंट्री प्रोडक्शन उस वक्त ही की जाए, गुड्स उसी वक्त प्रोड्यूस की जाए या मटेरियल उसी वक्त परचेज किया जाए जब उसकी ज़रूरत हो। प्रिवेंट फ्रॉड के एम्प्लॉइज जो है वो स्टोरी चोरी ना कर सकें। प्रिवेंट एरर्स के आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो प्रॉपरली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसमें बिन कार्ड्स बनते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो प्रॉपरली उन बिन कार्ड्स पे या स्टोर लेजर कार्ड पे जो है वो प्रॉपरली इन्वेंट्री रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अब जो आपके सिस्टम्स हैं जो आपने डेवलप किए हैं वो एक है ऑटोमेटेड सिस्टम यानी कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। अब ऑटोमेटिक सिस्टम जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के हर ट्रांजैक्शन एक ही तरह से प्रोसेस हो रही होती है, जो डेबिट क्रेडिट्स हैं वो रूटीन से हो रहे होते हैं। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस, आप सेल इनवॉइस आप एंटर करेंगे वही रिसीवेबल लेजर को अपडेट कर देगी, वही आपकी इनकम स्टेटमेंट में उसी वक्त चली जाएगी, सारा जो फंक्शंस हैं वो एक ही दफा परफॉर्म हो जाएंगे, तो सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस जो है वो नहीं हो सकता। पोटेंशियल फॉर डाटा टू बी करप्टेड इजीली, तो अगर आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है या कंप्यूटर फेल हो गया है तो वो डाटा करप्ट हो सकता है। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड मैनेजमेंट सुपरविजन, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो रही होती हैं, जो तो वो एक कॉमन मैन जो है वो उनको जनरेट नहीं कर सकता, हो सकता है कि उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है या सम टाइम ऐसा होता है कि हम कॉमन मैन को सिरे से अलाउ ही नहीं करते कि वो रिपोर्ट्स जनरेट कर ले, तो मैनेजमेंट पे जो बर्डन है वो इनक्रीज हो जाता है। अब ऑटोमेटेड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैनुअल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, लो कैपिटल कॉस्ट है, नो कंप्यूटर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इजी टू करेक्ट एरर्स क्योंकि वो मैनुअली रिटर्न होती है, वाइटनिंग कर दी उसके ऊपर फ्लूइड लगा दिया और उसको ठीक कर दिया। लेजर्स आर पोर्टेबल, रजिस्टर उठाया जहाँ पे दिला चले गए। कैन रिव्यू ट्रांजेक्शन फॉर लॉजिकल सेंस वाइल एंटरिंग परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, के वो जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है वो लॉजिकल है भी या नहीं। डिसएडवांटेजेस के हैं, स्लो एट परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मैनुअली कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। मोर लाइकली टू मेक कैलकुलेशन एरर्स, क्योंकि कैलकुलेटर पे एरर करते वक्त एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, जनरल एंट्री कहीं रिकॉर्ड हुई है, लेजर कहीं बना हुआ है, उनको आपस में लिंक करना जो है मुश्किल है। लेस ईजी टू ऑडिट, बहुत ज्यादा डाटा होता है उसका ऑडिट करना जो है वो मुश्किल होता है। ऑटोमेटेड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, क्विकर होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फौरन कर लेता है, फीवर एरर्स हैं क्योंकि एरर अगर डाटा एंट्री में एरर है तो वो तो एरर है लेकिन सिस्टम आगे कैलकुलेशन एरर्स नहीं करता। मोर सिक्योरिटी, पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, इजियर टू सॉर्ट एंड एनालाइज डाटा, कोई भी रिपोर्ट जो है अगर आपको चाहिए तो स्ट्रेट वे वो जनरेट हो जाती है। डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली, इस पे इन्वेस्टमेंट चाहिए है, कैपिटल कॉस्ट होती है, एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ता है, स्पेशलिस्ट जो है वो हायर करने पड़ते हैं। एरर्स को करेक्ट करना जो है वो मुश्किल काम होता है क्योंकि ऑथराइज नहीं होता कि एक बंदा जब एंट्री कर लेता है तो वो उसको एडिट कर सके, उसको प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होती है, जो टाइम टेकिंग फिनोमेना है। सिस्टम कैन क्रैश, तो सिस्टम अगर क्रैश कर जाएगा तो जिस दिन सिस्टम नहीं चल रहा उस दिन कोई काम नहीं होगा।